नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। 10 मार्च के दिन यानी कि गुरुवार को नया इतिहास लिखा जाना है। यूपी और उत्तराखंड के चुनावी नतीजे का काउंटडाउन अब आखिरी दौर में है, लेकिन दोनों राज्यों के स्ट्रांग रूम के बाहर हर दल के कार्यकर्ता डटे हैं और तमाम शहरों में ये पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सपा ने यूपी में ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए और तमाम विरोधी दलों की तरफ से आशंकाएं जताई गई हैं। तो वहीं भाजपा का दावा है कि हार के डर से विरोधी दलों ने अभी से ईवीएम को निशाना बनाना शुरू कर रखा है। इस बीच तमाम वोटर निश्चिंत हैं, उन्होंने अपने हाथ से तमाम उम्मीदवारों की किस्मत पहले ही लिख दी है। इंतजार है तो बस नतीजों के अनलॉक होने का, जिसका काउंटडाउन चल रहा है। और इससे पहले इस वक्त पूरे प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, ये बात तो चुभेगी में मैं आपको दिखाऊंगा। और हकीकत दिखाने के लिए तमाम जगहों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए बात तो चुभेगी। तो ग्राउंड रिपोर्ट को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि कल से हंगामा हो रहा है ईवीएम को, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम सियासी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में मतगणना की तैयारियां क्या है, सुरक्षा किस तरीके की है और किस तरीके से सियासी मूवमेंट है, समझेंगे। हमारे साथ मेरठ से संत शर्मा जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अनुराग शुक्ला, वाराणसी से नीतीश और आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नितिन, आपके पास ही आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं मतगणना की और मतगणना केंद्र या फिर जहां ईवीएम रखी जाती है, किस तरीके के वहां पर माहौल है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं राजनीतिक दल और सुरक्षा बल? देखिए बिल्कुल अवधेश, देखिए पिछले 3 से 4 घंटे हो चुके हैं नवीन गल्ला मंडी स्थल जहां 5 विधानसभाओं की ईवीएम रखी गई हैं, वहां जबरदस्त तरीके से हो हंगामा रहा है। दरअसल कई सारी गाड़ियों में ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जहां हथौड़ी मिली है, छेनी मिली है, वहां उनको कहा जाए टूटे हुए ताले मिले हैं और कहा जाए लोहे की रॉड मिली है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो कहा जाए कार्यकर्ता लगातार यहां आज पुलिस की भूमिका में थे, जो भी गाड़ी अंदर से बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, उन्होंने हर गाड़ी को चेक किया और जब कुछ गाड़ियों से ऐसा सामान मिला जिससे डाउट और गहरा गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस बिल्कुल तमाम लोग हैं आपके आसपास उनसे बात करिए क्या कह रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल, हम लगातार लोगों से ही रिएक्शन ले रहे हैं, आरएलडी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या चल क्या रहा है। आप बहुत लोग कल रात में भी आप लोग डटे हुए थे, ढोलक मंजीरा इस तरह से आप लगातार यहाँ पूरा जगराता किया और आज भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज पूरी रात यहाँ थे हम, उस समय भी यहाँ हमें ऐसा लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर जो हेरा फेर की जो प्रशासन सरकार के दबाव में, ये प्रशासन हेर फेर की उसमें है। एक सफारी गाड़ी थी जिसमें कई ताले थे, कम से कम 15 ताले थे, एक ताला मेरे पास भी है उनका टूटा हुआ, जी हाँ, जिसमें रोड़े भी हैं, सब्बल हैं, हथौड़े मिले हैं और खेल हो गया जी हाँ। इसमें जो है जो कट्टा था सीमेंटेड और उसमें बजरी थी, उसमें दबका के लाग रहे थे। गाड़ी जब चेक को देखा तो पुलिस प्रशासन इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, हम लोगों ने उस गाड़ी को रोका और गाड़ी में रोकने के बाद जब आपत्तिजनक जो चीज़ें मिली, जब चीज़ें मिली तो उस समय जो है यहाँ पुलिस ने कहा उसका ये क्या, आप लगातार पिछले कई घंटों से आप लोग जमे हुए, क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें निकल रही? सर लोकतंत्र की सरासर हत्या हो रही है, कई गाड़ियाँ चेक की गई हैं, किसी में पुरानी पर्चियाँ जो हैं, हजारों लाखों की तादाद में पर्चियाँ मिली हैं, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, सब्बल रॉड ताले क्या इसका और सब्बल रॉड ताले क्या इशारे करते हैं, आपको क्या लग रहा है, आपको किस चीज को लेकर शंका है? पूरी तरीके से मनसा डीएम आगरा की यहाँ पे उद्यम कराने की है मतगणना को स्थल पे, जिस तरीके से माहौल इनकी मनसा है यहाँ पूर्ण तरीके से गड़बड़ी कराने की है। पूरी आप लोग आज पूरी रात यहीं जमे रहेंगे? आप यहीं रहेंगे और इनको मंसूबे को क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी बघेल साहब भी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग रात भर जगराता करेंगे? देखिए आगरा का जो प्रशासन है पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में, बीजेपी के लिए चोरी करने के लिए उतारू है, जिस तरह से ताले मिल रहे हैं, आईडी प्रूफ मिल रहे हैं,
और आगरा का डीएम तो वैसे ही बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करता है, जो जिला पंचायत का चुनाव मेरे उसमें हुआ बिल्कुल था। नितिन हमारे साथ आप बने रहिए, तो तमाम प्रदेश के हर कोने की तस्वीर हम लेंगे, क्योंकि लगातार मेरठ से सनुज हमारे साथ बने हुए, लखनऊ से अनुभव है, वाराणसी से नीतीश है, आगरा से नितिन लगातार बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद सीधे हम आपको पूर्वांचल की जमीन पर ले चलते हैं, जो पूर्वांचल की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बना वाराणसी। नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, क्या स्थिति है, क्योंकि एक बड़ा हंगामा वाराणसी में कल देखने को मिला था, आज क्या स्थिति है स्ट्रांग रूम की, सुरक्षा की, राजनीतिक दावों की? अध्यक्ष जी, अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति सामान्य है, लेकिन पूरे अगर बात करें तो मतगणना स्थल पर जो सफाई है, जो विरोधी दल हैं, वो पूरी तरह से अपनी नजरबंदी रखे हुए हैं, हर ओर आपको कार्यकर्ता दिखाई देंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, ये कार्यकर्ता कल भी आक्रोशित थे और आज भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बाकी प्रशासनिक इंतजामों की बात कर ले तो पूरे मतगणना स्थल को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे जो कि पहले भी लगाए गए थे और अभी भी लगाए गए हैं, अभी भी वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरा मतगणना स्थल है। लेकिन जब कल से बवाल ज्यादा बढ़ गया है तो इस बार सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद की जा रही है। यानी जो मतगणना स्थल का मुख्य द्वार है, वहां से 1.5 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया जाएगा। जो लोग आएंगे और जाएंगे, उनके आईडी और पास चेक होंगे, सबको एक एक पास वितरित किया जा रहा है। बिना पास के कोई मतगणना स्थल तक नहीं पहुंच पाएगा, ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू बनी रहे। कल की व्यवस्था की बात करें, कल की जिस तरह से सामने पिकअप वैन में ईवीएम मशीन देखी गई, ईवीएम मशीन देखने के बाद जमकर हंगामा हुआ, पूरी रात तांडव की स्थिति बनी रही। पूरी रात तांडव मचा। आएंगे नीतीश आपके पास, और चलिए अब हम बात कर लेते हैं अवध की, अवध क्षेत्र की, और उस क्षेत्र की जहां पर जीत के सभी को पहुंचना है और वहीं से सरकार बननी, यानी कि लखनऊ की बात करें। अनुभव हमारे साथ हैं। अनुभव, लखनऊ की क्या स्थिति है, राजधानी में किस तरीके से राजनीति हो रही है, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो स्ट्रांग रूम की, जहां पर वोटों की गिनती होनी है, वो तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को उस विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके लिए सारी लड़ाई है, जो पूरी एक महीने तक ये चुनावी प्रक्रिया चली, 7 चरणों में इलेक्शन हुए। अब सबको इंतज़ार है 10 मार्च का, यानी कल का सबको इंतज़ार है, क्योंकि जो जीतेगा, जो सत्ता में आएगा, वो यहीं इसी विधानसभा में बैठेगा जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से विधान भवन जो है वो लाइटों से जगमगा रहा है। अब फैसले के बाद किसके यहाँ इस तरीके से हम कहें दिवाली मनाई जाएगी, वो तो कल तय होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अब 18वीं विधानसभा का गठन होगा, 7वीं विधानसभा डिजॉल्व होगी, 18वीं विधानसभा का गठन होगा। एग्जिट पोल में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आती दिख रही है, ज़्यादातर एग्जिट पोल में एबीपी गंगा सी वोटर के भी एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की ओर वो जाती दिख रही, अनुमान ऐसा है। लेकिन देखिए, बीजेपी के लोग तो बड़े आश्वस्त हैं, हमने आज दिन भर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बात की, वो तो बड़े आश्वस्त हैं। लेकिन हम शाम को जब गए स्ट्रांग रूम, जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हैं, क्योंकि लखनऊ में 9 विधानसभा हैं और हर एक विधानसभा की जब वोटों की गिनती होगी, 14 टेबल लगाई जाएंगे और उस पर गिनती होगी, 2 आरओ की टेबल लगाई जाएगी, तो वहाँ पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने ऐलान किया था, उसके बाद साथ तमाम संख्या में वहां पर हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भैया हम बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं, हम यही रात को सोएंगे और सुबह से निगरानी में जुट जाएंगे। देखिए, सवाल यही खड़ा होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है, तो निर्वाचन आयोग अगर इस तरीके से किसी के मन में अगर शंका उत्पन्न, बिल्कुल शंका है, तो फिर उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे तमाम वजहें होती हैं, उस पर भी जाएंगे। हमारे साथ अनुभव बने रहिए। अब मेरठ का रुख कर लेते हैं, सनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, अगर हम मेरठ की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि मेरठ भी बड़ा हॉट है सियासी तौर पर, और बड़े और कई कड़े मुकाबले यहाँ पर भी देखने को मिले। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि बड़े और कड़े मुकाबले यहाँ देखने को मिलेंगे। मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो 7 विधानसभा सीटें हैं, उन 7 विधानसभा सीटों के लिए 2 जगह मतगणना हो रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में, और यहाँ पर सबसे अहम जो विधानसभा सीटें हैं 3, उनके लिए गिनती होनी है। सिवालखास विधानसभा की गिनती यहाँ होगी, सरदना की और हस्तिनापुर की। मेरे पीछे आप ये इंतजाम देख लीजिए,
बेहतर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ कर ली गई हैं और अब जब कल मतगणना होगी तो बिना पास के किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ 3 विधानसभाओं की गिनती होनी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम जो विधानसभा सीट है वो हस्तिनापुर विधानसभा सीट है। ये देखिए हस्तिनापुर विधानसभा सीट, वही हस्तिनापुर जो महाभारत, जिसको लेकर महाभारत हुआ था और यहाँ पर भी राजनीतिक महाभारत हो रहा है। और कहा जाता है पिछले अगर 5 दशकों की बात करें तो हस्तिनापुर विधानसभा सीट से जिसका भी विधायक बनता है लखनऊ में सरकार उसी की बनती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, 5 दशकों की मैं बात करूं, जिसका विधायक उसकी सरकार। तो यहां सबकी नजरें टिकी हुई है और देखिए जिस तरीके से कई जिलों में ईवीएम को लेकर रार हो रही है वो रार यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इतना जरूर है कि जो स्ट्रांग रूम यहाँ पीछे की तरफ है वहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता डेरा डाले हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, कुछ राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं वो भी डेरा डाले हुए हैं, लेकिन ना तो यहाँ अधिकारियों पर कोई बिल्कुल तो अगर उनसे बातचीत संभव हो तो उनसे बात भी करिएगा। और हमारे साथ बने रही, हमारे चारों सहयोगी बने हुए हैं, लगातार निगाहें बनी है। तो ईवीएम पर सियासत जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ईवीएम की सुरक्षा में सिर लगी थी या फिर एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर बहानेबाजी शुरू हो गई। जो मशीनें इधर से उधर की जा रही हैं, हेरा फेरी करने का प्रयास किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात कर रहे हैं। दंगाइयों के बल पर राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले जब चुनाव हार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, इस प्रकार के बयान। ईवीएम पर तकरार, सियासत धुआंधार। लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर जाए। काशी से कासगंज तक, लखनऊ से लखीमपुर तक ईवीएम पर महाजंग। ईवीएम की सुरक्षा में सीन, सच या फसाना, हार के बाद काम आएगा बहाना। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही है? जीते तो मेहनत से, हारे तो ईवीएम से। 10 मार्च का भी अखिलेश ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम पेपर पर। और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। ईवीएम, ईवीएम और ईवीएम, हर तरफ इसी की चर्चा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आरोप के बाद ईवीएम को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं और ईवीएम के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयरहाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को जो आरोप काशी से आई तस्वीर के बाद लगाया उसका असर एक दिन बाद गुरुवार को देखने को मिला। हर जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मुश्तैदी के साथ डटे नजर आए। क्या प्रयागराज, क्या गाजियाबाद और क्या अलीगढ़ और क्या कासगंज, ईवीएम पर शुरू हुई जंग का असर राजधानी लखनऊ से लेकर चंदौली, आगरा और गोरखपुर के साथ पूरे प्रदेश में दिखाई दिया। प्रयागराज में मुंडेरा मंडी परिसर में जहां पर सभी 12 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी गई हैं, आप देख सकते हैं कि जो अंदर जाने का रास्ता है वो बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हों, समर्थक हों, उम्मीदवार हों, वो हर एक जगह पर इसी तरीके से यहां मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को वाराणसी पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम के बाहर एक ट्रक ईवीएम मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर जाइए। इस घटना के बाद आधी रात को ही समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया। जो मशीनें इधर से उधर की जा रही हैं, हेरा फेरी करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, जनता ने मशीनें पकड़ लिया,
तो वो मशीनें हटाने का आपको किसने अधिकार दे दिया? चुनाव आयोग की गाइडलाइन से कि कोई भी ईवीएम स्ट्रांग रूम से बिना प्रत्याशी को सूचना दिए आप कहीं नहीं ले जा सकते, चाहे वो खाली हो चाहे कोई भी हो। जिसके बाद भाजपा भी मैदान में उतर आई और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे हार से पहले बहानों की नेट प्रैक्टिस बता दिया। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, और 10 मार्च का भी अखिलेश ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। लेकिन जो बात काशी से शुरू हुई उसका असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यूपी के हर जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा दिया है। लोगों ने जो प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के, कांग्रेस के, उन्होंने अपने लोगों को, निजी लोगों को यहाँ रखा हुआ है और एक निर्धारित दूरी से यहाँ लगातार निगरानी पिछले एक महीने से चल रही है। और ऐसे में कल जो कहा जाए 5 विधानसभा सीटों की गिनती इसी मंडी समिति स्थल से होनी। वही तमाम आरोप के बीच प्रशासन भी ईवीएम की सुरक्षा में मुस्तैदी से जुटा हुआ है। मेरठ में सुरक्षा की 3 लेयर बनाई गई है। प्रदेश के कई जिलों में भले ही ईवीएम पर रार चल रही हो लेकिन मेरठ में सब कुछ ठीक ठाक है। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए जहां ईवीएम रखी गई है स्ट्रांग रूम, और किस तरीके से यहां सुरक्षा का कड़ा घेरा यहां पर लगाया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। क्या इंतजाम यहां पर किए गए हैं? एसडीएम ममाना सर हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ईवीएम को लेकर रार चली, मेरठ में तो कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती रखी गई है निगरानी के लिए। जिलाधिकारी महोदय की ओर से 8-8 घंटे के लिए 3 मजिस्ट्रेट तैनात हैं जो राउंड द क्लॉक यहाँ तैनात है। ईवीएम को लेकर मचे शोर से लखनऊ भी अछूता नहीं है, जहाँ सपा बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंप लगा दिए हैं। पार्टी कार्यकर्ता है यानी जो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, जिनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सामने बहुजन समाज पार्टी का ये कैंप लगा हुआ है, ये लोग रात से ही यहाँ पर तैनात हैं। बगल में समाजवादी पार्टी का कैंप लगा हुआ है, वो भी उनकी टीम यहाँ पर तैनात है। इसी तरह से हर जगह सामने से लेकर पूरा आसपास का इलाका राजनीतिक दलों के कैंप से पटा हुआ है। अब मतदान से पहले की रात किसी कयामत से कम नहीं है। हर जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ा पहरा है, लेकिन इन सबके बीच सवाल गहरा है, क्या ईवीएम में धांधली इतनी आसान है? क्योंकि अब गली गली, शहर शहर एक ही चर्चा है, ईवीएम और सिर्फ ईवीएम। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ईवीएम को लेकर हाय तौबा मची हुई। लगातार हमारे साथ 4 सहयोगी बने, आगरा से नितिन है, मेरठ से सनुज है, लखनऊ से अनुभव, वाराणसी से नीतीश है, आगरा से नितिन है, लेकिन हम रुक करते हैं मेरठ का। सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि माहौल गरमाया हुआ है, राजनीतिक दलों के लोग सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद अपनी तैयारी करके बैठे हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है मेरठ में? किन लोगों के साथ हैं आप इस समय? देखिए, मैं इस वक्त आपको बताऊं, मेरे साथ यहां पर पूर्व विधायक हैं, हस्तिनापुर से पूर्व विधायक रहेंगे योगेश वर्मा, और इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे जो महत्वपूर्ण विधानसभा है वो हस्तिनापुर विधानसभा है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि जो विधायक वहां से बनेगा उसी की सरकार बनेगी। पिछले कई दिनों से देखिए, सामने वहां स्ट्रांग रूम है, मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, जरा सत्येंद्र दिखाएं कि वहां स्ट्रांग रूम है और जो ईवीएम है वो सुरक्षा के घेरे में रखी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी सी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और इसी के लिए ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। योगेश जी, आपसे मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि लगातार दूरबीन से आप निगरानी बनाए हुए हैं, किस चीज की आशंका, किस चीज का डर थोड़ा सता रहा है? आपने भी देखा, बनारस में, बरेली में, कई जिलों में देखा है कि ईवीएम मशीनें ट्रकों में लद लद के जा रही हैं, और ये व्यवस्था जो है, ये सरकार जो है, जो अब है इस समय बौखलाई हुई है, कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है, आदेश है कि हम अपनी ईवीएम जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है, जहाँ पर रखी है, उसकी सही तरीके से निगरानी करें। तो हम इसी तरीके से जब से स्ट्रॉन्ग रूम में हमारी मशीनें रखी हैं, हम तब से यहाँ पर नज़र गड़ाए हुए हैं, और प्रत्येक लोगों के, मतलब जो भी यहाँ आ जा रहा है उस पर निगाह है, जो गाड़ियाँ आती हैं उसको देखते हैं हम, और उसके अलावा भी यहाँ पर जो अधिकारी लगाए हुए हैं, जो अधिकारी हैं उन पर भी हमारी निगाह है, क्योंकि सरकार भाजपा की है, और ये जो है इस समय माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वैसे तो जनता ने इनको नकार दिया, जनता ने दिया है समाजवादी पार्टी को वोट, गठबंधन को वोट, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी साहब को वोट दिया है, गठबंधन को वोट दिया है, इनको जनता ने वोट तो दिया नहीं, चुनावी जनता ने लड़ा है, और किसानों ने चुनाव लड़ा है, ये
और जिन पे अत्याचार और जुल्म हुआ उनके उन्होंने चुनाव लड़ा है, और जो कोरोना में लोग कोरोना हुआ था, बीमारी में लोग मरे, जिन्हें एक वेंटिलेटर नहीं दे पाए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दे पाए, उन लोगों ने चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ा, अभी आपने एक बात कही कि आप सब पे नजर बनाए हुए हैं, लखनऊ की नजर भी तो आप पे है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सीट तो आपकी है। पहले जब आप पूर्व विधायक बने थे तब भी सरकार बनी थी, जब विधायक बने थे आप, और इस बार भी आप पे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो भरोसा जताया अखिलेश यादव। देखिए, जो हम पे भरोसा जताया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस भरोसे पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से मुस्तैदी से यहाँ पर है। जो हस्तनापुर से जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। आपने देखा है चुनाव में मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आके वोट मांग के गए हैं, दो दो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, ओबीसी यहाँ पे आए हैं, और कई नेता बड़े बड़े, प्रियंका जी आई है हस्तनापुर क्षेत्र में, लेकिन यहाँ हमारी जनता ने, हमारे गठबंधन के तमाम लोगों ने, बिल्कुल तो सनोज हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं आगरा का, नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी तमाम लोग हैं जिन्होंने कहा कि वो भी निगरानी कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां पकड़ी उन्होंने। नितिन, लगातार माहौल आगरा में भी गरमाया हुआ है। देखिए बिल्कुल, कल रात से लगातार माहौल गरमाया हुआ है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, नहीं तो क्रांति करनी पड़ेगी, और उसके बाद बड़ी संख्या में सपाई समर्थक, जो समाजवादी समर्थक हैं, पहुंच गए। और आज तो शाम से लगातार देखा जा रहा है कि जो काम पुलिस का होता है वो काम समाजवादी समर्थक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक कहा जाए पीएसी की गाड़ी निकली, पूरी बस थी, लेकिन समाजवादी समर्थकों ने उस गाड़ी को रोका, अंदर चेकिंग की, कोई भी गाड़ी हो, किसी की गाड़ी हो, वो नहीं जाने दे रहे बिना चेकिंग किए। और आज शाम को जब हथौड़ी निकली, छैनी निकली, जब टूटे हुए ताले निकले, लोहे की रॉड निकली, तो कहीं ना कहीं समाजवादी जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो और ज्यादा आक्रोशित हो गए। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। अब आप लोग की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, रात भर यहीं डटे रहेंगे? देखिए, हम रात भर यहीं रहेंगे, और सारी गाड़ियों को, क्योंकि हमें प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के लोग यहाँ हैं और सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, सारी, जब तक हम नहीं मानेंगे सारी गाड़ियों को हम चेक करते रहेंगे। पुलिस का वो काम आपके क्या जी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लोग घबराए हुए हैं, तो ईवीएम हैकिंग करा रहे हैं, चोरी करा रहे हैं ईवीएम, अभी यहाँ पे थोड़े छैनी ताले टूटे हुए, देखो अध्यक्ष जी ताले, ये देखो ताले सारे ताले मिले, मैं बहुत कई घंटे से यहाँ मौजूद हूँ, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं, प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक वोटिंग नहीं, भाजपा का एजेंट बना हुआ है, अब आप रात लोग यहीं जगराता करेंगे? जी ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो बीजेपी सरकार बिल्कुल, लेकिन नितिन ये सवाल उठता है कि अभी मतगणना शुरू नहीं हुई, लोकतंत्र की हत्या विपक्ष को नजर आनी। खैर, एक बार फिर से हम वाराणसी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ नीतीश भी बने हुए। नीतीश, ये जो हंगामे का आगाज हुआ वो वाराणसी से हुआ, वहीं के डीएम पर अखिलेश यादव बरसे, वहीं पर बवाल देखने को मिला, फिलहाल क्या स्थितियां हैं वहां पर? अवधेश, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, स्थिति सामान्य है, लेकिन इस पूरे मामले में जो सक्षम अधिकारी हैं नलिनीकांत सिंह, उनको इस पूरे मामले में कार्य अवमुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको एक खबर ब्रेकिंग और बता दूं कि इस पूरे मामले में नलिनीकांत सिंह के मोबाइल पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, और जांच प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से एक और खबर मेरे पास है कि नलिनीकांत सिंह को लखनऊ से कोई फोन आया है। आखिर नलिनीकांत सिंह को इस पूरे मामले में बिना अधिकारियों को जानकारी दिए हुए और बिना किसी जो प्रत्याशी है उनको जानकारी दिए हुए इस रूट प्लान से छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? ये सारे सवाल हैं, और इस जांच प्रक्रिया के दायरे में इन सारे सवालों को लाया जा रहा है। अभी की स्थिति बता दूं तो पूरा पहरा है समाजवादी पूरा पहरा, लेकिन ये बात बड़ी आप बता रहे हैं नीतीश की, लखनऊ से फोन आया है। अनुभव हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अनुभव, ये मामला बहुत बड़ा हो गया है वाराणसी का, जिस तरीके से आरोप लगे, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, और मेरठ और आगरा में जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, लखनऊ में इन चीजों को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से कल वाराणसी की जो पूरी घटना हुई, बवाल हुआ, हंगामा हुआ, अन्य जिलों में भी कहीं बैलेट बॉक्स पाया गया, बैलेट पेपर थे, कहीं पर अगर हम कहें कि कूड़े की मशीन में कुछ चीजें, एक बक्सा मिला, तो अलग अलग जिलों में ऐसी बहुत जगहों पर खबरें आई हैं। तकरीबन 10 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसी शिकायतें आई हैं, और फिर निर्वाचन आयोग उन सारी चीज़ों को देख रहा है कहां क्या गड़बड़ी है। इसी तरीके से आप देखिए, संत कबीर नगर में भी एक शिकायत आई कि एक लेखपाल के पास दो बैलेट पेपर थे, तो उस पर कार्रवाई हुई है, डीएम ने कहा कि उस पर FIR दर्ज करेंगे। लगातार जो प्रशासन के लोग हैं, खासतौर से जो निर्वाचन आयोग जिनको कंडक्ट कर रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है, लगातार एक्शन हो रहा है।
और यहाँ लखनऊ में आज ACS होम अवनीश अवस्थी और ADG लॉ एंड ऑर्डर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ तौर पर कहा कि जो मतगणना स्थल है वहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी अधिकारी मतगणना के काम में लगे हैं वो जो भी कैंडिडेट हैं उनके साथ समन्वय बनाकर रखें। एक बड़ी बात कही कि कहीं पर भी कोई कैंडिडेट को दिक्कत ना हो, अगर कोई कैंडिडेट है कोई चीज़ ऐसी है तो उसको बताया जाए, बिना बताए उसके किसी भी चीज़ का कोई मूवमेंट ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे कल जैसी जो स्थिति उत्पन्न हुई वो देखने को मिले। इसे सोम भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे, तो एक मैसेज दिया है कि सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है। बिल्कुल कोऑर्डिनेट करना है, समन्वय बनाए रहना है, हमारे साथ बने रहिए, सारे सहयोगी बने हुए हैं और कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद से सपा समर्थक हर जिले में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी पर बैठ गए। सपा अध्यक्ष का कल का बयान आपको सुनवाते हैं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी तभी बदलाव आएगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बन करके ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। हम बात कर रहे हैं चुनाव के मतगणना की तैयारियों को लेकर, क्योंकि मतगणना इस वक्त बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई। उससे पहले जिस तरीके की राजनीति हो रही है तमाम आरोप लग रहे हैं और माहौल गरमाया हुआ है। आगरा से नितिन हमारे साथ बने, मेरठ से संदीप है, लखनऊ से अनुभव है, वाराणसी से नीतीश है। और नितिन आपके पास ही आ रहे हैं, आगरा में जिस तरीके का माहौल आपने बताया, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर तमाम कार्यकर्ता हैं सपा के और RLD के, किस तरीके का माहौल है? थोड़ा तस्वीरें दिखाइए और इन लोगों से बात करिए कि इतना ज्यादा जो भरोसा इनका हिला हुआ है वो क्यों है? क्योंकि सुरक्षा बलों को लगाया जाता है, सब कुछ सामने है, पारदर्शिता के साथ चीजें होती हैं, फिर इतना डर किस बात का है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से कई सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं समाजवादी लोगों का जो भरोसा है वो जबरदस्त तरीके से डगमगाया हुआ है। कोई भी गाड़ी आ रही है उसका समाजवादी लोग खुद चेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिए, हमने जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, जैसे ही गाड़ी बाहर निकलना शुरू हुई, इस गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। कई सारी गाड़ियों में वोटर लिस्ट निकली, कई सारी गाड़ियों में हथौड़ा निकला, टूटे हुए ताले निकले, लोहे की रॉड निकली। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई घंटों से हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अभी एक पुलिस की गाड़ी निकली, उसकी पूरी यहां से चेकिंग की गई। तो कुल मिला के कहा जाए लगातार यहां चेकिंग जारी है। खुद कहा जाए ईवीएम की पहरेदारी समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इस समय लगातार यहाँ कहा जाए गाड़ी पर चढ़ गए हैं। किस तरह से कहा जाए स्थिति बनी हुई है, गेट पर लगातार जो पुलिसकर्मी है, पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ डटे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय बड़ी कहा जाए बड़ी संख्या में समाजवादी समर्थकों का जो मंडी स्थल है वहाँ उनका डेरा उनका बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ, बड़ी संख्या में सपोर्टर्स हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ धरने पर भी बैठ गए थे। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कई सारी चीजें ऐसी हैं जो डाउट क्रिएट करती है। निकलेगी नहीं तो आप समझ सकते हैं, तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि PSC के जवान हैं वो एक अंदर जा रहे हैं। तो कुल मिला के अब रात पूरा कुछ घंटे बाकी है इस कहा जाए इस काउंट डाउन को। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग हम लोग यहाँ ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन BJP का प्रवक्ता बना हुआ है और ताले टूटे, ताले ये नहीं बताए कि क्यों तोड़े, कहां से तोड़े और किसी को दिखाया भी नहीं। अच्छा, और बताइए कब तक आप पूरी रात यहीं रहेंगे? हम पूरी रात नहीं, कल दोपहर तक, जब तक हमारे पिता जीत नहीं जाएंगे प्रमाण नहीं मिल जाएगा। मान अखिलेश यादव जी
प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे लगातार। देखिए मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ, ये वोटर लिस्ट की जो पर्चियां हैं, जो पेपर्स हैं, वो यहाँ एक गाड़ी में मिले और सफाई समर्थकों ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसको निकाल लिया। किस तरह से यहाँ फैली हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो समाजवादी लोग हैं ये गाड़ी अंदर जा रही है, उस पर चढ़ गए। तो कुल मिला के कहा जाए इनका कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया है सिस्टम पर, इसलिए शायद वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाहुबल के आगे जनबल को झुकने नहीं देंगे, पूरी रात हम इसी तरीके से सारे समाजवादी साथी मंडी समिति में निगरानी करेंगे और किसी प्रकार की कोई धांधली को रोकने का काम करेंगे। हम किस कर रहा है किसके बारे में, क्या चल क्या रहा है, किन किन चीजों पे? पूरे उत्तर प्रदेश में आप भी देख रहे हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, बनारस में क्या हुआ आपने देखा, बरेली में हुआ आपने देखा, अब यहाँ भी कुछ ऐसे एपिसोड्स नजर आ रहे हैं, ये बैलेट पेपर्स मिलना, ये सब चीजें मिलना, ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है, गाड़ी से हथौड़े निकले, टूटे हुए ताले निकले, उसके बाद आप लोगों का डाउट और बढ़ गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वहाँ कहा जाए जो वहाँ मतलब टेंट लगाया जा रहा था उस समय के, ये नहीं, यहाँ फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ था आगरा में और फर्स्ट फेज से अब तक लगभग एक महीना हो गया और काउंटिंग होनी थी, क्या प्रशासन को जिम्मेदारी पहले तय करनी थी? बिल्कुल, तो समझ सकते हैं नितिन के किस तरीके से कैमरा कैमी बनी हुई कि हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, भरोसे का संकट बहुत है। सनुज भी हमारे साथ बने हुए मेरठ से, सनुज आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए मेरे यहाँ स्थिति ये है कि पहले फेज में 10 फरवरी को वोट डाले गए थे और कल 10 मार्च हो जाएगी, एक महीने से इसी तरीके से देखिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता इसी तरीके से यहाँ स्ट्रांग रूम के जो एक निर्धारित दायरा है उसके बाहर बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक और शाम से रात तक, इसी तरीके से इन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। और देखिए दो चार लोग नहीं है, करीब 40 से 50 लोग हैं जो लगातार यहाँ डेरा डाले हुए हैं, पल पल पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि किस्मत का पिटारा खुल रहा है, 7 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब नेताओं ने तमाम तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं खासतौर से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर डर रही है, थोड़ा सा इस बात का डर सता रहा है, थोड़ी आशंका सता रही है कि कहीं यहाँ पर भी जो ईवीएम है उनमें गड़बड़ी ना कर दी जाए। हम बात कर लेते हैं योगेश वर्मा है पूर्व विधायक है यहाँ से और हस्तिनापुर विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी। योगेश जी एक महीना आपको बीत गया, इसी तरीके से पूरी निगरानी कर रहे हैं? हाँ जी, इस तरीके से निगरानी कर रहे हैं और आज तो वैसे भी कयामत की रात है। कयामत की रात? हाँ, आज की कयामत की रात है, हम पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। और अभी आप बोल रहे थे कि डर सता रहा, डर नहीं निगरानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे आदेश है और यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ 40-50 व्यक्ति जरूर हैं लेकिन इस जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है उसके 200-300 मीटर की दूरी पे यहाँ पे कई जगह हमने अपने अपने लोग बिठा रखे हैं और पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद हैं। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे पूरी मेहनत से दिल से यहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि ये भाजपा जो है कुछ भी गड़बड़ी करा सकती है। कुछ कार्यकर्ता उनसे भी बात कर लेते हैं, आपको क्या लग रहा है, आप भी यहाँ पे डेरा डालें? बिल्कुल बिल्कुल डेरा डालें और बहुत आशंका है गड़बड़ी की भाजपा से। वो अब आज कल की रचना देखो, वाराणसी में क्या बुरा हाल हुआ है लोगों का, हम करने नहीं देंगे, डटे पड़े हैं यहीं पे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कल तक बिल्कुल डटे हुए हैं, पूरी रात पूरे दिन पूरी सुबह तक बिल्कुल हमारी आंखें वहीं हैं स्टोर रूम पे। आगे कुछ और कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं। भाई साहब आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा बता दीजिए कब से हैं, क्या एक रूटीन बना लिया यहाँ बैठ? जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से अगले दिन से हम उसी दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मिनट के लिए भी यहाँ खाली नहीं है। हमारे सब लोग बारी बारी से ड्यूटी लगाते हैं और आज तो काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए कैसे पूरा रहता है? अभी देखा मैंने कि कभी दूरबीन से निगरानी करते हैं, कभी बाहर गाड़ी को रोकते हैं, कभी आपकी अलग अलग टीमें हैं पूरी, यहाँ कितनी टीमें ऐसी लगाई? यहाँ हमारी पूरे दिन टीम लगी रहती है, 4-4 घंटे की ड्यूटी लगाई हुई है सब लोगों की, चार लोग उस हर टाइम पर रहते हैं, टाइम पर लगे रहते हैं क्योंकि इन भाजपा वाले झूठों की सरकार है, झूठों की इन सब लोग इस तरह की हरकतें ये कर चुके हैं, कई जगह मशीनें पकड़ी जा चुकी हैं तो इस तरह का माहौल इन्होंने पैदा किया, विश्वास सरकार में विश्वास खत्म कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं निगरानी में हैं, सारे लोग पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ हमारे लोग हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं सनुज की किस तरीके से वहां पर उन लोगों ने अपना पहरा बनाया, जब से मतदान हुआ है उसी दिन से ये लोग पहरेदारी कर रहे हैं। और एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अनुभव हमारे साथ बने हुए क्योंकि राजधानी ही केंद्र है हर चीज का और वहीं पर पहुंचने की रेस भी है। अनुभव विधानसभा के आसपास क्या माहौल है क्योंकि जितने भी सियासी सपने हैं इसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर पूरे होने हैं, तो वहां पर क्या रंग है, वहां पर किस तरीके की चीजें दिख रही हैं?
देखिए बिल्कुल विधानसभा की हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये विधानसभा के सामने की जो सड़क है सबसे व्यस्त सड़क है राजधानी लखनऊ की। और हमें कुछ यहाँ ऐसा नहीं लगा कि क्या कुछ कल होने वाला है, हर कोई सामान्य तरीके से आ रहा है जा रहा है। हाँ ये ज़रूर है जो सियासी लोग हैं वो काफ़ी उनके अंदर बेचैनी है, हर कोई यही पूछ रहा है, जो हमसे मिल रहा है यही पूछ रहा है कि कल नतीजे क्या होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे एग्जिट पोल में जो चीज़ें आई क्या वो सही होंगी। अब देखिए जिसके पक्ष में एग्जिट पोल आया है वो लोग तो खुश हैं, लेकिन एग्जिट पोल में जिसे हम कहें कि उतनी सीटें नहीं मिल रही उसके मन मुताबिक तो वो कह रहा है कि एग्जिट पोल पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। बिल्कुल अगर हम कहें तो बगल में ही इसी तरफ जो बीजेपी का कार्यालय है लखनऊ का जो प्रदेश कार्यालय है वो यहीं है विधानसभा के ठीक सामने। समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वो विक्रमादित्य मार्ग पर है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। हर एक पार्टी की उम्मीद लगी हुई है, खासतौर से बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की। और आज हमने देखा दिन भर बीजेपी कार्यालय पर तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रही, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए, कार्यकर्ता नहीं आए, कुछ लोग ज़रूर शाम के वक्त हमें मिले यहाँ पर जो तमाम तरह की बातें कर रहे थे, चर्चाएँ कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ने जो दिखाया उससे भी कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। हम समाजवादी पार्टी के भी कार्यालय गए, वहाँ पर भी कुछ लोग नज़र आए, कुछ बाहर से आए हुए लोग थे, वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल में जो चीज़ें कही गई हैं वो ठीक नहीं है। पर सबको अब इंतजार है, बिल्कुल सभी को इंतजार अनुभव, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि आप राजधानी लखनऊ में हैं, राजधानी में रहते हैं, वहीं से सियासी नब्ज को समझते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो नेताओं के क्या हाल हैं? धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, कल की तैयारी हो रही होगी, किसका क्या प्लान है, क्योंकि कल ही सबकी किस्मत खुलेगी और इस सपनों की इमारत के भीतर कौन दाखिल होगा ये कल ही तय होगा। लेकिन आएंगे नितिन के पास, रुक करते हैं, कुछ तस्वीरें वहां पर, नितिन आपके पास आ रहे हैं सीधे। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ी हुई थी, समाजवादी समर्थक जिस तरह से मंडी स्थल पर डटे हुए थे, पुलिस ने कहीं ना कहीं भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से जो तमाम जो पुलिस के जवान हैं, जो पीएससी के जवान हैं, अब वो लाठी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी जो समर्थक हैं वो लगातार वो किसी भी तरह से वो वहाँ गेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अब कहीं ना कहीं इन समाजवादी समर्थकों को कहीं ना कहीं हटा रहे हैं, वो कहां गेट से लोकेशन उनकी शिफ्ट करना चाहते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि हल्का बल प्रयोग भी पुलिस कर सकती है, और ऐसे में हल्का बल प्रयोग किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। तो तमाम जो कहा जाए जो समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो खड़े हुए थे, अब वो मंडी के गेट से जहाँ स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहाँ 5 विधानसभाओं की ईवीएम वोटिंग काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से होनी है, वहाँ ज़्यादातर जो समाजवादी सपोर्टर्स हैं अब वहाँ नहीं है। जो आपको कहा जाए पेपर्स बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल एक जो कहा जाए गाड़ी से बड़ा बंच निकला था, एक पेपर्स का निकला था, जिस पर यहाँ जो कहा जाए वोटर लिस्ट है उस पर भी समाजवादी समर्थकों ने सवाल खड़े किए थे और ये सारे पेपर्स यहाँ फैला दिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो जमावड़ा था जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स का, वो अब यहाँ से उनको भीड़ को तितर बितर कर दिया है। कुछ जरूर नेता हैं जो शांत पूर्ण तरीके से यहाँ जमे हुए हैं, तो पुलिस कॉपरेट भी करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के कहा जाए आज की रात है ये कयामत की रात है, और आज कल ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसका। बिल्कुल नीतीश, वहाँ पर तमाम जो समाजवादी वो खड़े हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, बात करिए। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो बैलेट पेपर है ये यहाँ पे आए थे, उसके बाद में कुछ पास है तमाम लगभग 2000 पास। आप एक गाड़ी में लगातार गाड़ियाँ जो भी आ रही है आपको चेक? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप देख नहीं रहे हो, मीडिया नहीं दिखा रहा, टीवी पे नहीं लगातार दिखा रहे हैं, आप हमारी जिम्मेदारी हम पे छोड़िए। आप ये बताइए आप लोग क्या हम ये कहना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे वोटर लिस्ट पड़ी हुई इसका आज के दिन क्या काम था, यहाँ ये लिस्ट क्यों पड़ी हुई है ये हम जानना चाहते हैं। आप लोग पूरी रात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है आज हम पुलिस बन के काम करेंगे, जो पुलिस का काम है वो हम करेंगे। पहरेदार है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और आप जी बिल्कुल कहेंगे, ये देखिए ये जो हालत हो रही है ये तब हो रहा है जब प्रशासन ने, देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, किस तरीके से लगातार पुलिस ने यहाँ कहा जाए लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया है, लोगों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है। तमाम जो कहा जाए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस समय यहाँ मौजूद हैं, और कई घंटों से लगातार जो कहा जाए समाजवादी जो सपोर्टर्स हैं वो हटने के लिए तैयार नहीं थे, और ऐसे में अब हल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है। अगर पुलिसकर्मी, अगर ये सपोर्टर्स यहाँ गेट नहीं छोड़ते हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा, और ऐसे में हम देख सकते हैं कि लगातार भगदड़ की स्थिति है, लगातार जो पुलिसकर्मी है। अगर पुलिस का कोई अधिकारी वहां पर हो तो उससे भी बात करिए कि आखिर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या इनका प्लान है और क्यों यहां से हटाया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई आगे होगी।
देखिए पिछले कई घंटों से समाजवादी सपोर्टर्स यहाँ जमे हुए हैं। जैसे लोगों को पता चल रहा है कि ताला निकल रहा है, हैमर निकल रहा है, छैनी निकल रही है, या पता चला कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो डाउट क्रिएट कर रही हैं, तो पूरे आगरा के जो कहा जाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। बड़ी संख्या में जब समाजवादी पार्टी का जमावड़ा हो गया फिर वो लगातार ईवी बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं नितिन आपको सुन रहे हैं आप देखिए किस तरीके से लगातार इस समय जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी उन्होंने पोजीशन ले रखी हुई है, वो लगातार यहाँ कंट्रोल वो कर रहे हैं, चीज़ें इस समय कंट्रोल अब नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर एतमादुल्ला आपसे अब आपसे बात करेंगे, चीज़ें कंट्रोल हैं अजय, चीज़ें कंट्रोल हैं आप? हाँ सब ठीक चल रहा है। आपने इन लोगों को तितर बितर कर दिया? उन लोगों को साइड में कर दिया कि गेट खाली करें, अनावश्यक भीड़ जमा ना करें। कई घंटों से ये लोग जमे हुए हैं, ये लगातार गाड़ियां चेक कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं इसको है सब आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर हैं तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब यहाँ जो तमाम जो स्थिति है वो कंट्रोल है, लेकिन पिछले कई घंटों से जो समाजवादी सपोर्टर्स यहाँ जमे हुए थे वो तमाम आरोप लगा रहे थे और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, ये जांच का विषय है बिल्कुल। लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है और वहां पर किसी भी तरीके के जमावड़े को रोकने के लिए सभी को तितर बितर किया गया। लगातार हमारे साथ आप बन रहे हैं, मेरठ से सनुज हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे मेरठ का रुख कर लेते हैं क्योंकि जो ये सरगर्मी है वो आगरा और मेरठ में ज्यादा दिख रही है। तो सनुज फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर माहौल बना हुआ है और प्रशासनिक तैयारियां क्या है, क्योंकि बहुत भारी रात है ये सभी के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी आपने सुना कि यहाँ जो नेता है पूर्व विधायक योगेश वर्मा वो कह रहे थे कयामत की रात है क्योंकि कल मतगणना होनी है। तस्वीरें एक बार फिर दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, सारी रात इसी तरीके से वो यहाँ पहरेदारी करेंगे, हर नजर बनाई जा रही है। कई टीमें हैं जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है और जिस जगह स्ट्रांग रूम है, जिस जगह मतगणना होनी है, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है, चारों तरफ से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग टीमें बनाकर वहाँ पर बैठा दी गई हैं। किस तरीके से और क्या इन लोगों को कहते हैं ना कि जब भरोसा टूटता है तो शायद इसी तरीके से रहता है। जिले जिस तरीके से यूपी के कई जिलों से ईवीएम को लेकर खबरें आई हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का भी भरोसा टूटा और इसीलिए ये लोग यहाँ डटे। और कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर आप बता दीजिए, आप ही यहाँ बैठे हैं बिल्कुल सूट पूट पे बिल्कुल तैयार होकर, तैयारी क्या करके आए हैं? तैयारी ये करके आए हैं कि बीजेपी की जो मंशा है, जो सरकार की मंशा है, वो सारा उत्तर प्रदेश जान रहा है आज ये क्या करना चाह रहे हैं। और हमारे विधायक जी ने हस्तनापुर से चुनाव लड़ा है और हस्तनापुर पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुख्य बिंदु बन के रहेगा। और विधायक जी ने जितनी मेहनत चुनाव में की, हमारे समर्थकों ने जितनी मेहनत चुनाव में की, उससे ज़्यादा मेहनत हमें इनकी सुरक्षा में करनी पड़ रही है। तो कल देखिएगा आप, कल बुरी नज़र वालों का मुँह काला होगा और झूठों के मुँह पर ताला होगा। सर आप बता दीजिए, आप भी बैठे हैं युवा? हम लोग 4 टीमों में डिवाइड हैं यहाँ विधायक जी की तरफ से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ, चारों दिशाओं में नजर, चारों दिशाओं को हमने घेर रखा है और हमारी 8-8 घंटे की ड्यूटी विधायक जी ने लगाई है। 100-100 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, 100-100 लोग हम निगरानी करते हैं कि पीछे से कोई ना जाए, आगे से कोई ना जाए, हम किसी को यहाँ परिंदे को पर मारने नहीं देंगे, परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। आप आज युवा क्या युवाओं की पूरी टीम लगा रखी है क्या यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय? हाँ जी, इस बार जो सबसे ज़्यादा जोश युवाओं के अंदर देखा गया है और इस बार युवा ने ना ही वोट डाला है बल्कि अब तक कल तक युवा अतुल प्रधान जी के साथ खड़ा रहेगा जब तक वे जीत नहीं जाते। बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी है सनुज। और अगर हम सियासत का पक्ष देखें तो उनके हिसाब से भी ठीक है कि इतनी मेहनत की है, अगर उन्हें कुछ आशंकाएं हैं तो अपने हिसाब से निगरानी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, अनुभव आपका भी शुक्रिया, राजनीतिक तापमान और तस्वीर दिखाने के लिए नीतीश आपका भी शुक्रिया और आगरा से नितिन हमारे साथ जुड़े, नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया सभी तस्वीरों को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि ग्राउंड पर रिपोर्ट क्या है। तो लगातार सियासत एक्टिव है। आपको बता दें कि आप भी एबीपी गंगा के साथ जुड़िए क्योंकि सुबह 6 बजे से सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे, मतगणना की एक एक तस्वीर सबसे पहले सबसे सटीक केवल एबीपी गंगा पर। बने रहिए हमारे साथ।